सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2023 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज़ हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि 11 तारीख को ही क्लोज़ होने वाला है। अगर सबका वेरीफाई नहीं होता तो फिर एक्सटेंड होगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है क्लोज़ हो जाएगा। तो ई स्क्रूटनी का बहुत सारे बच्चों का वेरीफाई हो चुका है और बहुत सारे का अभी भी नहीं हुआ है। तो आप लोग पैनिक मत हो, आप लोगों का जो है वेरीफिकेशन आज कम्प्लीट हो जाएगा। पूरा सबका वेरीफाई होगा, किसी का नहीं छूटने वाला है। और जो अब डेट एक्सटेंड होने की बात थी, वो अब मेरे को नहीं लग रहा है कि अब जो है डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि जो उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल कल रात में ही जारी कर दिया था। जितनी भी कैप प्रोसेस का शेड्यूल है, कैप 1, कैप 2, कैप 3, पूरे का शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। कब से ऑप्शन फॉर्म फिल होने वाला है, कब से आपको अलॉटमेंट लेटर जो है CET की तरफ से मिलेगी, कब कॉलेज अलॉट होगा, कब क्या होगा, सारा चीज़ जो है आपको अब टाइम टू टाइम जो है उन्होंने डेट बता दिया है। तो आगे हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जिनका नहीं हुआ है वेरीफाई, उनका हो जाएगा। आप लोग पैनिक मत हो, धीरे 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 सबका हो रहा है। तो 20 तारीख को जो आपका मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, अभी पूरा हम देखेंगे शेड्यूल कब क्या होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अब फिर मैं बोलूँगा कि अभी तक जो आपने अगर हमारा कैप प्रोसेस को में एनरोल नहीं किया है, तो यार जल्दी से कर लो, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स मिलेगी, फिर आपको जो कैप का किस तरीके से कैप चलता है उसका एक डिटेल मिलेगा, एक PDF आपको मैं शो करूंगा कि मैं किस तरीके से जो प्रेफरेंस लिस्ट इस बार रेडी कर रहा हूँ बच्चों के लिए। अब इस बार कुछ ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक है पिछले साल से, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस प्रेफरेंस लिस्ट से। तो अभी कल जैसे ही शेड्यूल जारी हुआ, फिर बच्चे हमारे पास आना स्टार्ट हो गए। तो आप लोग भी हमसे ज़रूर से ज़रूर जुड़ो, जल्द से जल्द जुड़ो, जितनी जल्दी जुड़ सकते हो, क्योंकि 20 तारीख से जो आपका 21 तारीख से आपका ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले ही आओ हमारे पास। तो चलिए अब हम उस जो है देख लेते हैं, एक्टिविटी शेड्यूल जारी किया CET सेल वालों ने। तो ये रहा वो एक्टिविटी शेड्यूल, एडमिशन नोटिस फॉर मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA फॉर एकेडमिक 2022-2023। तो ये देखिए, जैसा कि हमारा डेट था 26 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 10 तारीख तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चला था, और 11 तारीख तक जो है आपका वेरिफिकेशन का डेट था, 11 तारीख अप टू 5 PM। तो ये 5 PM लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन इससे भी ये लेट लेट तक वेरीफाई हुआ है। और अभी जिनका नहीं हुआ ई स्क्रूटनी वाले का वेरीफाई और होंगे, ई स्क्रूटनी का कल से ही स्टार्ट हो गया था जैसा कि मैंने बताया था। तो ई स्क्रूटनी वाले अभी जिनका नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द जो है आज कर देंगे CET सेल वाले, और सारे का वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लोगों ने सही से डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो कोई इशू नहीं आने वाली है उसके लिए। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, और जो भी आप लोग पैनिक मत करना। तो देखिए, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कब जनरेट होने वाला है? मेरिट लिस्ट जो है आपका 15 तारीख को जनरेट होने वाला है। 15 तारीख को, मतलब आज कितना हो गया, 13, 12 हो गया, 12, 13, 14, 15, मतलब 2 से 3 दिन बाद आपका मेरिट लिस्ट जनरेट होगा। वो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, प्रोविजनल मतलब ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगा। इसमें आप लोगों को देखोगे अपना नेम वगैरह सारा चीज़ देख लेना, क्या करेक्ट है क्या नहीं है, और आपका जो रैंक आएगी वो आपको शो हो जाएगी, ऑल इंडिया रैंक, फिर महाराष्ट्र स्टेट के रैंक। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया। फिर आपका ग्रेवियंस, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रेवियंस होता है, जो आप लोगों को फॉर्म में कुछ गलती होता है, नेम गलती हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भूल गए थे, या फिर कुछ और आप रिसिप्ट अपलोड किए थे, अभी आपका डॉक्यूमेंट्स आ चुका है, तो उन सब चीज़ों आप ग्रेवियंस मतलब अपना फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का एक मौका मिलता है, तो सुधार करने का ये देखिए 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक है, 5 बजे तक। कैंडिडेट सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट विल ट्रायल द ग्रेवियंस अबाउट करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्ले इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट शॉल बी रिजर्व बैक टू द कैंडिडेट टू हिज आर लॉग इन फॉर रेस्टिफिकेशन, कैंडिडेट शॉल अपलोड द रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट सबस्टांशिएट द क्लेम ऑफ एनी करेक्शन कंसेशन द स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ ग्रेवियंस राइज बाय द कैंडिडेट। तो आपके पास कोई भी गलती है, कोई भी जो फिजिकल स्क्रूटनी मोड रिजॉल्विंग द मतलब कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स में गलती है, या फिर आपका नेम वगैरह में कोई इशू आ रहा है, आपका पेरेंट्स के नेम वगैरह में कोई इशू आ रहा था जब रजिस्ट्रेशन करने टाइम आप फिल किए थे, तो आप इसे फिल कर सकते हो, इसमें ग्रेवियंस में आप डाल सकते हो। अब देखिए, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जब मेरिट लिस्ट फाइनल आ जाएगा तो फिर आपको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। जो डेटा आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा वो 20 तारीख को आएगा, तो 20 तारीख को जो फाइनल डेटा आएगा उसके बाद आप चेक नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ग्रेवियंस जब डेट है ये, तो ग्रेवियंस के डेट में ही आप अपना जो भी करेक्शन है, कोई भी इशू है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर आता है हमारा
सीट मैट्रिक्स भी उसी दिन रिलीज़ होगा, कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं, TFWs के लिए कितने सीट्स हैं, OBC के लिए कितने सीट्स हैं, EWS के लिए कितने सीट्स हैं, कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं, 160, 120, 180 पूरे सारे के कॉलेजेस में, तो सीट मैट्रिक्स उस दिन आपको रिलीज़ होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। फिर आता है हमारा मेन, जो हम लोग तभी से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बच्चों को, ऑनलाइन सबमिशन कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म बाय द कैंडिडेट। ऑप्शन फॉर्म यानी कि आपको कॉलेज की लिस्ट डालनी पड़ेगी, कॉलेज की लिस्ट जो आपको मिलने वाले हैं, तो आप कैटेगरी में हो, नॉन कैटेगरी में हो, OMS हो, ऑल इंडिया टाइप हो, कोई भी कैटेगरी में हो, तो आपको 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में आपको प्रिफ्रेंस लिस्ट डालनी है, जो हम बना करके देंगे आपको, एक लिस्ट, एक सीक्वेंस वाइज लिस्ट डाल के देंगे, और फिर क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है उसमें, वो सारा चीज़ में आप लोगों को उस फॉर्म जो प्रेफरेंस लिस्ट रहेगा सारे चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे जुड़ो और आराम से जुड़ो, और जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का फिल करो और फिर हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑप्शन फॉर्म 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक है, और फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड वन, मतलब आपको जो सीट अलॉट होगी, कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, जो मैंने मान लो 10 कॉलेज की मैंने लिस्ट दी, तो उसमें से जो कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो आपको 25 तारीख को पता चल जाएगा। फिर कैप राउंड वन 25 तारीख को जो कॉलेज अलॉट होगा, अगर आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, तो आप जाओ 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में, मतलब 26 27 28 तीन दिन के अंदर आपको एडमिशन लेना है, 1000 फी, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके। फिर जो है आपका 26 तारीख से हो गया, फिर डिस्प्ले प्रोविजनल, कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट्स खाली हैं, वो 30 तारीख को डिस्प्ले होगा। कैप राउंड टू यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ कैप टू में भी आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा 31 से लेकर के 2 तारीख तक। फिर इसका जो है अलॉटमेंट उसी तरीके से, कौन सा कॉलेज मिला है कैप टू में, वो मिलेगा 4 तारीख को डिस्प्ले होगा, और फिर 5 से लेकर के 7 तक आपका जो एडमिशन आप जा करके ले सकते हो। फिर अरे कैप थ्री की बात करते हैं, मैं 5 तारीख से 7 तारीख तक एडमिशन ले सकते हो। कैप थ्री का भी सेम उसी तरीके से ऑप्शन फॉर्म, मतलब कितने सीट्स खाली हैं, 8 तारीख को डिस्प्ले होगा और ऑप्शन फॉर्म फिल होगा 9 तारीख से 11 तारीख तक, और फिर 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज मिला है आपको। फिर 14 से 17 के बीच में आप एडमिशन जा करके ले सकते हो। तो ये रही पूरी डिटेल, पूरी जो है आपको कैप वन से लेकर के कैप थ्री तक कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक खत्म होने वाला है, कैप वन का अलग डेट, कैप टू का अलग, कैप थ्री का अलग। तो अभी आगे जब आने वाले हैं तो मैं और डिटेल में इन सब चीज़ों पे चर्चा करूँगा। अभी मेन जो आपका है वो ग्रेवियंस का है, ग्रेवियंस 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में, तो ग्रेवियंस पे ध्यान देना और ऑप्शन फॉर्म पे ध्यान देना। ऑप्शन फॉर्म प्रेफरेंस लिस्ट अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, नहीं बनाया तो हमसे ज़रूर से ज़रूर जुड़ो। और जो है स्टूडेंट हमारे कैप प्रोसेस में जितने एनरोल हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेना, 20 तारीख तक आपका सारे का जो है प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा, और बहुत मतलब 20 तारीख तक आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा। आप लोग कोई टेंशन वाली बात लेना ही नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, एक एक बच्चे का प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा 20 तारीख तक। सो थैंक यू, ये थी पूरी शेड्यूल, जहाँ तक हो सका मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, या फिर जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ पर पूछो। लेकिन अब जो कैप प्रोसेस में एनरोल बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं का कॉल उठेगा और उन्हीं का कॉल रिसीव होगा, उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अब भीड़ आने वाली है, एक बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है। तो जो हमारा नंबर सेव है, जो हमारे बच्चे हैं कैप प्रोसेस में, सिर्फ उन्हीं का भी मदद किया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में करना और मैसेजेस करना, अगर रिप्लाई दे पाए तो ठीक है। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की मदद नहीं करूँगा, लेकिन टाइम मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो कैप प्रोसेस वाले हैं उनको मिलेगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक दिया गया, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो।